राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ईशु गुजर और आप देख रहे हैं ब्रदर फिटनेस। आज का वर्कआउट है चेस्ट का वर्कआउट। सिंपल हम चेस्ट का वर्कआउट लगाएंगे पुशअप्स की हेल्प से। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे लगाना है। जितना आप पंप जिम में जाके फील करते हैं ना, उतना ही जो आज मैं वर्कआउट बता रहा हूँ उससे आप फील करेंगे। अगर ना करें तो मेरे चैनल को उसी टाइम आप डिसलाइक करें सबसे पहले, और फिर अनसब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लास्ट तक देखें तभी आप समझ पाएंगे कैसा वर्कआउट है, कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्कआउट कैसे लगाना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे लगाना है। पहले मैं आपको वर्कआउट दिखा देता हूँ। चार एक्सरसाइज है, चार सेट लगाने हैं, एक साथ लगाने हैं। पहले वर्कआउट दिखा देता हूँ कैसे कैसे, फिर समझाता हूँ आपको कैसे कैसे लगाना है। ये देखिए, जैसा अभी आपने देखा मैंने एक राउंड कंप्लीट किया है, और हालत देखिए, पसीने देखिए, एक राउंड में ये हालत है। अब आप खुद देख लो, अगर इसी एक्सरसाइज के आपको 6 राउंड करने होंगे तो क्या हालत होगी और आपकी बॉडी में क्या पंप आएगा। ये सिर्फ एक सेट था, ऐसे आपको लगाने हैं इसके 6 सेट। 4 एक्सरसाइज थी, सिंपल थी। नॉर्मल नीचे पुशअप्स लगाने फ्लोर पे, फिर डिक्लाइन पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, और फिर एक मैंने ये फ्लाई की जगह वेरिएशन है ये पुशअप्स का, ये दिखाया आपको। सो 4 वेरिएशन है, 10-10 रेपिटेशन थे, एक राउंड कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं ये चारों जो एक्सरसाइज थी वो कैसे कैसे ट्रेन करनी थी, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। राउंड तो आपने देख लिया,
अब देखिए कैसे कैसे आपको ये ट्रेन करनी है। सबसे पहले देखिए, जो हमने सबसे पहले एक्सरसाइज लगाई थी फ्लैट पे, नीचे पुशअप्स लगाए थे, वो कैसे करने हैं। सिंपल, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वही वेरिएशन है। ये देखिए 10 रेपिटेशन थे, आराम से नीचे गए, नीचे होल्ड किया 1 सेकेंड, ऊपर आए वापस, फिर नीचे गए 1 सेकेंड होल्ड किया, फिर वापस। ठीक है, ये था नॉर्मल वेरिएशन जो हमने फर्स्ट राउंड में किया था। इसके आपको लगाने थे 10 रेपिटेशन। अब चलते हैं सेकेंड वेरिएशन की तरफ, जो हमने लगाया था डिक्लाइन पे। ये देखिए, इसमें भी सेम यही ट्रिक है। पुशअप्स पोजीशन में आए, नीचे गए 1 सेकेंड होल्ड किया ऊपर, नीचे गए 1 सेकेंड होल्ड किया वापस ऊपर। ठीक है, ये बात हो गई सेकेंड एक्सरसाइज की। अब चलते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो हमने यहाँ पे लगाई थी इनक्लाइन पे। इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, 1 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस गए 1 सेकेंड होल्ड वापस। ठीक है, ये हो गई थर्ड वेरिएशन की बात, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। अब चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके हाथ है हथेली है वो ऐसे बाहर की तरफ प्लेस करने हैं। ठीक है, थोड़े से वाइड रहेंगे, और क्या करना है, एक पुशअप्स लगाया, वापस आए, राइट हैंड उठाया, लेफ्ट की तरफ लेके गए, स्क्वीज किया, जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट किया। ठीक है, वापस आए, दूसरा हाथ प्लेस किया, पुशअप्स किया, अब लेफ्ट हैंड से। ठीक है, ये था फोर्थ वेरिएशन। एक तो गर्मी भी ज़्यादा हो रखी है और एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, तभी हालत ख़राब हो रखी है। सो आज का वर्कआउट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और घर पे रहो, सेफ रहो।